पूरी तरह से तांडव मचा दिए हैं सनी देओल का छोटा बेटा राजवीर देओल। जी हाँ दोस्तों, जब से उनकी फिल्म रिलीज़ हुई है दोनों, तब से तहलका मचा चुका है। तो दोस्तों दोनों जो कि 22 दिन कंप्लीट हो चुका है इंडस्ट्री में, और 22 दिनों में क्या कलेक्शन हुआ है पूरा फिल्म का, उसी के बारे में चर्चा करूँगा, और फिल्म की बजट क्या है उसके बारे में चर्चा करूँगा। और दोस्तों सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल का बॉलीवुड डेब्यू किया जाता है 5 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, 5 अक्टूबर को लॉन्च हो जाते हैं राजवीर देओल बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और दोस्तों तबाही के साथ लॉन्च होते हैं। यानी कि दोस्तों 5 अक्टूबर को कमाई करती है उनकी फिल्म दोनों 35 लाख की। जी हाँ दोस्तों, 35 लाख से ओपनिंग लेती है राजवीर देओल की फिल्म दोनों, और कलेक्शन के मामलों में पूरी तरह से फाड़ के रख देती है फिल्म। यानी कि दोस्तों किसी को नहीं छोड़ता, सबको पेल के रख देती है राजवीर देओल की फिल्म दोनों बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों 22 दिन कंप्लीट हो चुकी है, और 22 दिनों का कलेक्शन का बात करूं तो दोस्तों 8 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन हो चुका है 22 दिनों में फिल्म का। और दोस्तों कलेक्शन का अब बात करूं 22वें दिन, तो दोस्तों 22वें दिन 10 लाख रुपए का कलेक्शन करते हुए दिखाई दिया है फुल एंड फाइनल हिंदी तमिल तेलुगु लैंग्वेजों में फिल्म दोनों। और दोस्तों अब बात करूं फिल्म के कमाई का जो आंकड़ा है वो क्या जा रही है, हिट जा रही है फ्लॉप जा रही है। तो दोस्तों जैसा कि अभी कमाई कर रही है वो हिट ही जा रही है फिल्म का कलेक्शन। तो दोस्तों अब बजट का बात करूँ तो दोस्तों मात्र 15 करोड़ की बजट में बनी फिल्म है दोनों, और बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल के रख दिया है फिल्म दोनों। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट न्यूज़ दोनों फिल्म से, आपको कैसा लगा कमेंट में साझा करें, और इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समोसा क्रिटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो चले गए हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों अपने भाई को इजाजत, क्योंकि भाई इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ मिलकर नेक्स्ट वीडियो में।